हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल व्यू की। आपने एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का यूज सीखा होगा, ट्रिम फॉर्मूला यूज किया होगा, लेकिन क्या एक्सेस में भी ये हो सकता है और होगा तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सेस का एसक्यूएल व्यू ओपन करना है। कैसे ओपन करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पूरा ही बंद कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक्सेस ओपन कीजिएगा, यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11 तो मेरे में ये स्टार्ट बटन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप यूज करेंगे विंडोज 10 तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके और जैसे भी हो यहाँ पर आ जाइएगा, ये एक्सेस ओपन कर दीजिएगा। ये 2021 है एक्सेस का वर्जन। अगर आपके पास 2007 है तो उसमें भी सेम प्रक्रिया है। ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिएगा और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिएट आएगा, क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से चले जाइएगा ये क्रिएट पर, ये जो क्रिएट है यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। और फिर यहां से आकर के क्वेरी डिजाइन पे आ जाइएगा। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे आएंगे तो ये पुराना टेबल क्लोज करके और यहाँ पर एसक्यूएल व्यू पे आ जाइएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट। क्या लिखना है, सेलेक्ट लिखना है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं SELECT सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट इस तरीके से। और सेलेक्ट लिखने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे लगाना है ट्रिम फॉर्मूला। तो ये ट्रिम लगा दिया और ट्रिम लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और डबल एटेड कोट्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा डबल एटेड कोट्स स्टार्ट किया है और यहां पर मैं लिख रहा हूं अपने चैनल का नाम है। तो जैसे एक्सेल में काम करता है वैसे यहां पर भी काम करेगा। तो ये काफी गैपिंग हो गई है, ठीक है। और यहां पर इसको बंद कर देंगे और इसको एक नाम दे देता हूं। क्या नाम दूंगा, यहां पर लिख देता हूं एज ट्रिम्ड, TRIMD ट्रिम्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है। ये लिख दिया और यहां से टर्मिनेशन दे दीजिए। टर्मिनेशन देने के बाद यहां पर अब इसको रन करवाने की बारी है। तो यहां से रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन अब ये काफी हद तक ट्रिम होकर आ गया। देखिए यहाँ पर ट्रिम हुआ है या नहीं,